मिशन में भाग नहीं लेते और जिंदा लोग मिशन को मरने नहीं देते। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार लोकसभा का चुनाव सर पर है, दो चरणों के मतदान हो चुके हैं, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐतिहासिक काम किया है। किस तरीके से बिहार की वैशाली में अपना दाव चलाया, नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। वही वैशाली जहां से 75 साल से कोई भी बहुजन समाज के व्यक्ति संसद नहीं पहुंचा। सोचिए, जिस समाज की राजनीतिक भागीदारी कमजोर होती है, वो समाज अपने लिए अधिकारों से उतना ही वंचित रहता है। किस तरीके से वैशाली में एक इतिहास रचने जा रहे हैं शंभू कुमार सिंह। आज उन्होंने मुजफ्फरपुर में नामांकन दाखिल किया, किस तरीके से लोगों का जनसैलाब है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज अब लगातार मनुवादियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आ चुका है। किस तरीके से बहुजन समाज पर आज भी, आजादी के 75 साल बाद भी अत्याचार होते हैं। किस तरीके से किसी को मूछ रखने नहीं दिया जाता, पानी नहीं पीने दिया जाता। सोचिए, गटर के सीवरों में हमारे बहुजन समाज के लोग गटर की सफाई करते करते अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये सिर्फ इसी वजह से होता है कि उनकी भागीदारी राजनीतिक रूप से कमजोर है। किस तरीके से उन तमाम लोगों ने मूवमेंट को कमजोर करने की कोशिश की है, समाज की लड़ाई को कमजोर बनाने की कोशिश की है, जो सिर्फ जाति की बात करते हैं, लेकिन जातिवाद को बदलने के लिए संसद में पहुंचकर कोई काम नहीं करते। लेकिन 75 साल बाद बीएसपी ने अपना मजबूत दावेदार मैदान में उतारा है शंभू कुमार सिंह को। शंभू कुमार सिंह एक जाना माना बहुजन चेहरा है, नेशनल दस्तक के संपादक भी हैं। इसके साथ साथ वो लगातार 10 सालों से बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सोचिए, वैसे ही शख्स को हमें संसद भेजना पड़ेगा, जो आवाज सड़कों पर मजबूती से लड़ी जाती है, बोली जाती है, उसको अगर हमने संसद भेज दिया तो सोचिए कितने लोगों की संवैधानिक अधिकारों पर हम बात कर पाएंगे। लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये विश्वास दिखाकर बहुजन समाज को एक उम्मीद की किरण दिखाई है। जो तमाम लोग मनुवादी विचारधारा के लोग, सामंतवादी विचारधारा के लोग ये आरोप लगाते थे कि बीएसपी बीजेपी की बीड टीम है, उनकी ये गलत फहमी दूर हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने और आकाश आनंद जी ने भरोसा दिलाया है कि बहुजन समाज की पार्टी सिर्फ एकमात्र बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, जो लगातार उन तमाम लोगों के अधिकारों की बात करती है जो आजादी के 75 साल बाद भी हाशिए पर खड़े हैं। सोचिए, तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों में तमाम लोगों के चेहरों को आप देखिए कि कितनी उम्मीदों से लोगों को एक उम्मीदवार दिखाए, उनमें डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को जीवित होते हुए देख रहे हैं। किस तरीके से अपने लिए अत्याचारों से लड़ने के लिए एक हथियार उनको मिल गया है, ये लड़ाई समाज की लड़ाई है। किस तरीके से लगातार जो बहुजनों के साथ होता आया है, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। सरकार जातीय जनगणना की बात नहीं करती, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती 365 दिन लगातार बहुजन समाज की जिम्मेदारी को उठाते हुए, उनके संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इस सरकार से सवाल करती है। सरकार में चाहे कोई भी पार्टी रही हो, बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस पार्टी, लगातार उनसे सवाल हुआ है कि बहुजन की जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा। असल में बीएसपी ही बहुजन समाज के हितों के बारे में, उनके हितों की रक्षा करने के बारे में गंभीरता से सोचती है। आज 2 मई है, आज बिहार के मुजफ्फरपुर में शंभू कुमार सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। अब वो पूरे तरीके से बीएसपी पार्टी के उम्मीदवार बन चुके हैं और लोकसभा चुनाव के लिए वैशाली से मैदान में डटकर लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इस बार बहुजन की लड़ाई है, इस बार बैकवर्ड की लड़ाई है, इस बार बीएसपी की लड़ाई है, इस बार बहुजन समाज के तमाम मानव अधिकारों की लड़ाई है, इस बार संविधान को बचाने की लड़ाई, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इस बार तमाम लोग जो कहते हैं कि हमारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, उन तमाम अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। याद कीजिए, तमाम लोग जो हैं जातिवाद के आधार पे, सामंतवाद के आधार पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
बड़े बड़े प्रबोलन देते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग बैनरों पर विकास के तमाम सपने आपको दिखाएंगे, लेकिन असल में आपके बच्ची को पलटकर पिछले 5 सालों में कोई नेता नहीं देखता, कोई नेता का एक कार्यकर्ता आपसे मिलने नहीं आता। लेकिन नेता वही चुनिए जो तकलीफों से निकला हो, जो गरीबी से निकला हो, जिसने तमाम तकलीफों को महसूस किया हो। सोचिए शंभू कुमार सिंह को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भरोसा दिखाकर ये साबित किया कि 24 कैरेट गोल्ड वाली पार्टी जो है वो अपने कैंडिडेट भी उसी तरीके के चुनती है, उन पर भरोसा दिखाती है। और जो बहुजन की बात करेगा, फिलहाल तो संसद में जाने के उसी के आसार दिख रहे हैं। किस तरीके से लगातार शंभू कुमार सिंह पिछले कई दिनों से वैशाली की जनता से मिल रहे हैं, वैशाली की जनता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वैशाली की जनता को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और वैशाली की जनता का कहना है कि हमसे पिछले 5 सालों में वोट लेने के बाद कोई भी हमारी तकलीफें सुनने नहीं आता, हमारी तकलीफों को समझने नहीं आता, हमारे बच्चे के लिए रोजगार तक नहीं है, बस्तियों में पानी तक नहीं है, लाइट काट दी जाती है, लाइट्स की व्यवस्था नहीं है। सोचिए वो वैशाली की मैं बात कर रही हूं जिसको, जहां से गणराज्य की स्थापना हुई थी वहां पर ये हाल है। कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन मतलब डबल विकास, लेकिन वैशाली सीट पर बहुजन समाज का व्यक्ति को उतरने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुजन समाज को आज भी, हाशिए पे खड़े लोगों को आज भी संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। मुजफ्फरपुर में नामांकन किया शंभू कुमार सिंह ने, वैशाली में बीएसपी, वैशाली में बहुजन, वैशाली में बैकवर्ड। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, सोचिए लोगों का हुजूम उमड़ गया, लोगों का जनसैलाब उमड़ गया है। लगातार कार्यकर्ता हो चाहे पत्रकार हो, तमाम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर को देखिए, महसूस कीजिए कि लोग किस उम्मीद से मिलने आते हैं, लोगों की आंखों में क्या सपने होते हैं, लोगों के पास उनके लिए उनके बच्चों के उज्जवल सपने भी हैं जिसको बचाने के लिए तमाम लोग जो हैं वो इस उम्मीद में शंभू कुमार सिंह से मिल रहे हैं। शायद ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, वैशाली के लिए, वैशाली के बहुजनों के लिए, वैशाली की जनता के लिए, वैशाली की महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तमाम लोग जो हैं बड़ी बड़ी बातें तो कर जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, लेकिन सोचिए कोई भी उनको पलट कर नहीं देखता, उनकी तकलीफों को कोई महसूस नहीं करता। नेता अगर गरीब समाज का होगा, बहुजन समाज का होगा, बहुजन समाज की तकलीफों को समझने वाला होगा, जिसने गरीबी, लाचारी, भुखमरी, बेबसी सब कुछ सहन करके परिपक्व हुआ हो, वही शख्स आपकी तकलीफों को महसूस कर सकता है। तमाम लोग आपको घड़ियालू आंसू बहाकर आपका वोट समेटने की कोशिश करते हैं, असल में वो आपको मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। सोचिए जिस तरीके से आकाश आनंद मंचों से धारते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार रैलियां कर रही हैं, इससे तो यही साबित होता है कि आने वाला समय जो है वो बहुजनों का होगा, आने वाला समय जो है वो बीएसपी पार्टी का होगा, आने वाला समय जो है वो बहुजनों के हक का होगा, जो लगातार वर्षों से हमारे बहुजन समाज के हक अधिकारों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुजन समाज के हक अधिकारों की मलाई खाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो बहुजन समाज का हक अधिकार उनको देना ही पड़ेगा, और मनुवाद, सामंतवाद, बाहुबल, जातिवाद के खिलाफ खुलकर लड़ाई होगी। आज मुजफ्फरपुर में शंभू कुमार सिंह ने नामांकन दाखिल करके बीएसपी पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने और बीएसपी पार्टी ने भरोसा दिखाया, उसी प्रकार वैशाली की जनता भी शंभू कुमार सिंह पर विश्वास दिखा रही है। और विश्वास दिखाने के साथ साथ इस बार आज़ादी के 75 साल बाद कुछ इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास को पलटा जाएगा, जिस इतिहास को पलटने के लिए तमाम लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, यहाँ तक कि उनको जान से मारने की लगातार धमकियाँ दी जाती हैं, फ़ोन पर अजीबोगरीब कॉल आती हैं, लगातार गाली गलौज की जाती हैं, इसके बावजूद शंभू कुमार सिंह मैदान में उतरे हैं क्योंकि वो बहुजन की तकलीफ समझते हैं, वो बहुजन समाज के लोगों की हर वो तकलीफ को महसूस करते हैं
जो लगातार बहुजन समाज के लोगों को कहीं ना कहीं अधिकारों से दूर कर दिया है। अब समय आ गया है कि वैशाली से इस बार तो शंभू कुमार सिंह ही संसद जाएंगे। जिस तरीके से बहुजन समाज की भीड़ उमड़ रही है, इससे तो यही लगता है कि बहुजन समाज जागरूक हो रहा है। बहुजन समाज को अब देश के तमाम उन नेताओं का प्रबोलन और झूठे वादे नहीं चाहिए। अब अपने लिए वाकई में रोजगार चाहिए, अपने लिए अस्पताल चाहिए, अपने लिए शिक्षा चाहिए, अपने लिए रोटी रोजगार जैसे मुद्दों पर गंभीरता से बहुजन सोचने लगा है। और जिस तरीके से पिछले कई सालों से सरकार लगातार बहुजनों को लॉलीपॉप देने का काम कर रही है, असल में लॉलीपॉप जो है अब काम नहीं आ रहा। बहुजन समाज को नौकरी देनी होगी, बहुजन समाज को अच्छी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी देनी पड़ेगी, बहुजन समाज को राजनीति भागीदारी देनी पड़ेगी, बहुजन समाज को सामाजिक भागीदारी देनी पड़ेगी। क्योंकि आने वाली सदी जो है वो बहुजनों की, जिस तरीके से सपना देखा था माननीय काशीराम ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, कि जो बहुजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। असल में देश के हालात को देखते हुए तो यही दिखाई दे रहा है कि बहुजन समाज 24 में कुछ खेल जरूर करेगा। मनुवाद, सामंतवाद, बाहुबल, धनबल के खिलाफ एक नई लकीर खींची जाएगी जो सिर्फ बहुजन ही कर सकता है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और आप सभी से अपील है कि शंभू कुमार सिंह की आर्थिक मदद कर इस लड़ाई को सफल बनाइए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ शंभू कुमार सिंह की नहीं है, ये लड़ाई समाज की लड़ाई है। और इस लड़ाई को तमाम समाज का हर वो व्यक्ति लड़ेगा जो लगातार जातिवाद, सामंतवाद, मनुवाद व्यवस्था का शिकार हुआ है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।